नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ताजमहल, और आज आपकी रिपोर्टिंग एक तरह से ताजमहल से ही हो रही है। और यहां एक्चुअली दो चार लोगों से यहां भी मिला, वो ताजमहल पर ही मिलने आ गए। मैंने उनको टाइम दे दिया कि भाई मैं वहां पर हूं, तो वो आ गए यहां पर मिलने, और अच्छा लगा उन सबसे मिलके, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की। और मैं एक्चुअली फैमिली के साथ था, तो फैमिली अभी यहाँ घूम रही है, तो मैं कहलाऊँ आपको एक अपडेट देता हूँ, शॉर्ट अपडेट। वो एक ये है कि भाई, एक तो आपकी देखिए फ्लोकी की लिस्टिंग हो रही है crypto.com पर, ठीक है। तो crypto.com पे लिस्टिंग की वजह से फ्लोकी का प्राइस अच्छा खासा पंप कर रहा है। और ये देखिए टेलीग्राम पर ऑलरेडी लोगों ने शेयर कर दिया, इसलिए मैंने उसको टेलीग्राम पर शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा, कि जब ऑलरेडी लोगों की नज़र में वो चीज़ पहुंच गई तो फिर उसका क्या बताना चाहिए। तो वो एक तरह से आपकी ये न्यूज़ पक्की है, crypto.com पर फ्लोकी की लिस्टिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं फ्लोकी का देखिए आगे भविष्य अच्छा है, और आपको हो सकता है इसके बाद मे बी बाइनेंस का नाम भी आपको बहुत जल्दी जो है सुनने को मिल जाए। क्योंकि जब फ्लोकी क्रिप्टो डॉट, भाई ये क्या स्टेप बाय स्टेप हो रहा है सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आप टीयर वन एक्सचेंजों की लिस्टिंग एक तरह से धीरे धीरे फ्लोकी में स्टार्ट हो रही है, तो बहुत जल्दी आपको बाइनेंस का नाम भी सुनने को मिलेगा। होल्ड कीजिए, अगर पोर्टफोलियो है वो है आपका प्रॉफिट बुकिंग वाला, उसमें आप वो चीज़ें करते रहिए, बाकी जो लॉन्ग टाइम होल्ड है उसको छोड़ के रखिए, जो मिलेगा देखी जाएगी। तो यहाँ पर एक तो आपका फ्लोकिन, दूसरा बिटगर्ड आपका 1 अप्रैल को उसने अनाउंस कर दिया है कि हमारी जो मैनुअल थर्ड बर्निंग है वो हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कितना बर्न होता है, उसके हिसाब से इसमें भी देखिए स्पाइक तो आएगा, 1 तारीख से पहले पहले ये स्पाइक आएगा। अगर इन बिटवीन जो अपनी टीयर वन एक्सचेंज लिस्टिंग की बात है वो भी सामने आएगी, तो वहाँ पर भी आपको एक स्पाइक नज़र आएगा, वहाँ पर थोड़ा सा आप होल्ड रखिए। अब आते हैं हम मार्केट के ऊपर। देखिए सर, मार्केट बड़ा ही उथल पुथल चल रहा है, मैंने आपको सुबह भी कहा था, देखिए ये जो चीज़ें चल रही ना, कहीं ना कहीं वो कल $1 मिलियन वाली जो बात थी, वो कहीं ना कहीं एक क्या कहेंगे, एक फोमो क्रिएट हो रहा है उससे, या आप ये कहें कि साहब बाइंग वाली सिचुएशन बन रही है कि साहब वहाँ पर बाइंग कर ली जाए। बहुत से लोग उसको सोचते हैं कि भाई ये बाइंग हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, शायद 1 मिलियन का बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन साहब देखिए, ये 3 महीने वाला जो टाइम पीरियड है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर जो भी है भाई, अपनी अपनी प्रिडिक्शंस हैं। अब ऐसे तो टिम ड्रैपर साहब कह रहे हैं कि 250K का भी हो जाएगा BTC, सब अपनी अपनी प्रिडिक्शंस हैं, कहने में क्या जाता है, सब करने में लगे हुए हैं। तो जो भी है, देखिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप फोमो बना करें किसी भी चीज़ का, जो है जैसा है आप उसको होल्ड रखिए। मार्केट की मैं क्या सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो मान लीजिए आपका 62-63 तक पहुँच गया है, यानी इतना लोग बुलिस हो गए, और अचानक से जो बुलिसनेस है ना कहीं आपको एक ट्रैप में फंसा सकता है। यहाँ आप BTC को देख लीजिए, BTC नीचे आया और अभी फिर दोबारा से जो है ये 28,000 को क्रॉस कर गया। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय $28,300 पर चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए ये हो क्या रहा है, लगभग $800 से $900 ऊपर नीचे हो रहा है। कौन कर रहा है, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, क्यों, हम लोग के बस का भी नहीं है। ये सब जो है बेल सका चल रहा है, वरना इतनी जल्दी जल्दी BTC $1,000 ऊपर, $1,000 नीचे, ये क्या मतलब है। तो आप यहाँ थोड़ा सा बस वही है, पेशेंस रखिए, आपके पास जो भी होल्डिंग्स हैं आप फोकस भी उसी पे कीजिए जो आपके पास होल्डिंग्स हैं। आप इस चीज़ पर बिल्कुल मत जाइए कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए BTC ऊपर जा भी रहा है तो आपके ज़्यादा मतलब का नहीं है, आपको एक पॉजिटिव साइन तो मिल रहा है कि अच्छा चलिए पॉजिटिव जो है मार्केट चल रहा है। लेकिन आपको ये आपके टोकन्स में जाइए, यानी आपके अल्टकॉइंस में जब आपको एक बूम नज़र आएगा वो आपके फ़ायदे का है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। फिलहाल फ्लोकी वाले थोड़ा सा ठीक, उनके लिए अच्छी खबर है कि प्राइस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, और लगभग 9-10% इंक्रीज हो भी चुका है। तो ये क्या है कि देखिए अपडेट बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है फ्लोकी में, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको जो है मे बी बाइनेंस का नाम भी सुनने को मिल सकता है। तो एक शॉर्ट अपडेट था आगरा के ताजमहल से, तो प्यार की निशानी भी आपको दिखाई देता हूँ। देख रहे हैं आप मेरे पीछे पूरा सीन है, तो अच्छा है। आज मेन चीज़ है कि आज मौसम की वजह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा डार्कनेस होगी वीडियो में, तो मौसम आज बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम जिसे कहते हैं वो भी बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। वैसे आगरा में इस टाइम गर्मी का सीज़न होता है, गर्मी है भी, लेकिन क्या है कि मौसम ने बहुत अच्छा कर दिया साहब, तो अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। और जो हमारे सब्सक्राइबर वगैरह भी जो हमें मिले, अच्छा लगा उन सबसे मिलकर, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। और देखते हैं आगे जो भी है, और आपसे ज़रूर मिलेंगे आगे, और जो भी अभी और भी लोग मिलने वाले हैं आगे, क्योंकि टाइम दे रखा है मैंने, तो मैं यहाँ से निकलूँगा, उसके बाद उनसे फिर मैं उनसे भी मिलता हूँ, आपको फिर बताऊँगा कि और उनके साथ क्या बात हुई, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो भी बताऊँगा। तो अच्छा लगता है देखिए मिलकर। मेन चीज़ क्या है कि हम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम बहुत सी चीज़ें
यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाह के भी नहीं बोल सकते, तो वो चीज़ हम फेस टू फेस ही बोल सकते हैं। और जो लोग जाते हैं मुझे बड़ी संतुष्टि होती है कि वो बड़े संतुष्ट होकर जाते हैं, वो कहते हैं कि सर बिल्कुल यही जेन्युइन है जो आपने बताया है, कि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं बताते। लेकिन सर मेरा क्या जाएगा, एक बात बताओ, मैं अगर सच की बजाय आपको झूठ चीज़ बताऊँगा उसे मुझे क्या हासिल होगा, मुझे तो कुछ हासिल नहीं होना ना। बेहतर है कि मैं कुछ आपको अच्छा बता सकूँ, वही मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो है एक सही गाइडेंस दे सकूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई भी चीज़ जो है ना गलत बताऊँ या गलत बयानी करूँ, वो मैं नहीं करता। खैर जो भी है, आप फोमो में ना आए, मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है और अप एंड डाउन आप खुद देख रहे हैं, अप एंड डाउन जो चल रहे हैं, तो ये क्या है, मार्केट को ज़बरदस्ती का ऊपर नीचे चल रहा है, जहाँ वेल्स पैसा बना रही हैं आप पैसा नहीं बना पाएंगे, या फिर वेल्स की तरह सोचना शुरू कीजिए लालच छोड़ के, तो वो अगर चीज़ हो सकती है तो मे भी बहुत अच्छा आपके लिए रह सकता है। लेकिन फ्लोकी में अभी थोड़ा होल्ड करें और बिटगट के लिए तैयारी करें कि बिटगट जो है आपको बहुत जल्दी एक पंप वो भी दिखाने वाला है। तो आप पीछे देख रहे हैं, पीछे आपकी जमुना जी हैं, मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे हैं जमुना जी हैं, जो थोड़ा सा आपको हल्का सा पानी दिखाई दे रहा होगा, पेड़ है पीछे वो जमुना जी हैं, और इस तरफ आपका जो है ताजमहल है, प्यार की निशानी, और इस तरफ आपका जो है ये एक मेन दरवाज़ा है, मेहमान खाना जिसे कहते हैं वो है। तो ये कुछ ताजमहल का भी आपने दीदार कर लिया और एक अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ।